क्रू बैच में पहुंच चुका हूं मैं, अभी खाना बनाने शुरू करेंगे। और अपने पास MDH का चिकन करी मसाला, जो कि सॉल्ट और पेपर इसके अंदर डाल दिया है, तो अपने हिसाब से डाला है, यू नो, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। इसके अंदर भी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल जाएगा और इसके अंदर नमक, पेपर और मसाला डालना है। ब्रश को निकालते हैं और दाल हमारी और पक रही है तो दाल को और पकाते हैं। डालेंगे धनिया जिससे कि और स्वाद आने वाला है। कॉन्टिनेंटल खाना खा के थक गए हैं तो अपना खाना अपना ही बनाए। सही बात। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो मेरी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है और मैं जिम भी जाके आ चुका हूँ और अब मैं डिनर करने के लिए जा रहा हूँ। तो आज इस ब्लॉग में मैं आपको मेरी डिनर प्रिपरेशन बताना चाहता हूँ। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने एक ब्लॉग डाला था और उसके अंदर मैंने कहा था कि दाल जो है ये मैंने बनाई है, अगर इसकी रेसिपी जाननी है तो कमेंट में बोलना, मैं आपको रेसिपी बताऊँगा कि शिप पे दाल कैसे बनाई जाए माइक्रोवेव में। तो कमेंट आए मुझे, रौनक भैया का कमेंट आया, उन्होंने कहा कि मुझे दाल की रेसिपी जाननी है। सूरज ने भी कहा कि मुझे दाल टेस्ट करनी है, तो बतानी पड़ेगी दाल की रेसिपी। तो आइए चलते हैं क्रू मेस में डिनर के लिए और हमारी डिनर प्रिपरेशन करते हैं। सो आइए, लेट्स गो गाइस। क्रू मेस में पहुंच चुका हूं मैं, अभी खाना बनाने शुरू करेंगे। ये देखिए सारा सामान ले लिया है। ये दाल है, ये दाल जो है वो मसूर की दाल है। और लाइक उससे पहले वीडियो देखी तो मेरी मम्मी ने कहा था कि मसूर की दाल है, तो मुझे भी इतना नहीं पता। और ये देखिए थोड़ा सा पालक लिया है, यानी कि दाल और पालक बनाएंगे। और ये सारा सामान, प्याज, मिर्ची, टमाटर, और ये हमारे अमित भाई जो ये काटेंगे सब। लेट आए हैं ये, तो जल्दी जल्दी काटना शुरू करो भाई। और एक और डिश बनेगी चिकन, ये चिकन ब्रेस्ट है तो ये चिकन भी बनेगा। तो आइए अभी हम ये काटा पीटी कर लेते हैं। और धनिया भी है जो लास्ट में डलने वाला है। अपने अमित भाई ने प्याज टमाटर मिर्ची काट दी है, तो एक प्याज लिया है, एक टमाटर, एक आधा टमाटर लिया है, आधी मिर्ची। तो अभी मैंने यहाँ पे तब तक चिकन ब्रश काटा। और अपने पास MDH का चिकन करी मसाला, जो कि हमने यहाँ से लिया है, तो यहाँ पे भी MDH का मसाला चल रहा है। तो अभी ये सारा अभी इस दाल में डालते हैं और मैं आपको बताता हूँ। ये जो है वो सांभर कहते हैं, टमाटर की चटनी आप कह सकते हो। तो मिर्ची है इसके अंदर डाल देता हूँ, दाल के अंदर सब डाला इसके अंदर, करना कुछ नहीं है, सब इसके अंदर डाल के मिक्स करना है। एक टमाटर की चटनी डाली और पालक, थोड़ा सा पालक डाल दिया। अब इसके अंदर डलेगा नमक और पेपर। तो ये देखिए सॉल्ट और पेपर इसके अंदर डाल दिया है, तो अपने हिसाब से डाला है, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। स्वाद अनुसार इसमें MDH का मसाला, गरम मसाला डालते हैं। और अपने पास एक और स्पेशल मसाला है, मसाला जो डालूंगा मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए ये लाइक चिलीज है स्पाइसी, तो ये डालते हैं थोड़ा सा इसके अंदर और काफ़ी स्पाइसी हो जाता है, तो इतना मैंने डाला। तो सब मैं अपने हिसाब से डाल रहा हूँ। तो ये ऑलिव ऑयल थोड़ा सा इसके अंदर डालते हैं हम लोग, देखिए हम लोग ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। और साथ ही में यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट तैयार हो रहा है, तो इसके अंदर भी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल जाएगा। और इसके अंदर नमक, पेपर और मसाला डालना है बस। और इसको हम लोग थोड़ा सा माइक्रोवेव मारेंगे। तो नमक मैंने डाल दिया, ये थोड़ा मसाला गया इसके अंदर, ये अपना थोड़ा सा ये मसाला गया, ये थोड़ा सा स्पाइसी मसाला गया। इसको बस मिक्स करना है और माइक्रोवेव में डालें, पानी डाल देते हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और ये देखिए थोड़ा सा पानी ये डाल दिया मैंने इसके अंदर, ये ज़रूरी है। और अभी इसको मिक्स करूँगा मैं। अच्छी तरह से मिक्स, अब इसको हम माइक्रोवेव में डालते हैं। आइए, तो अभी माइक्रोवेव है हमारा, इसमें डालते हैं। माइक्रोवेव में डालने से पहले इसके ऊपर एक प्लेट रखते हैं और ये अपना गया दाल और ये अपना चिकन ब्रेस्ट, तो ये प्लेट उलेट डाली और इसको मैं टोटल 5 मिनट पकाऊंगा। हो गया चिकन ब्रेस्ट, तो चिकन ब्रेस्ट को निकालते हैं और दाल हमारी और पक रही है तो दाल को और पकाते हैं। तो अभी ये माइक्रोवेव खोलते हैं और देखते हैं अपनी दाल पक चुकी है कि नहीं।
ये देखिए खत्म हुआ है, ये अपनी दाल पक चुकी है और इसको बाहर निकालते हैं और बाहर दिखाते हैं आपको। तैयार है और ये धनिया, इसके अंदर हम डालेंगे धनिया जिससे कि और स्वाद आने वाला है। और थोड़ा सा धनिया अपने चिकन ब्रेस्ट जो पहले से तैयार था उसमें भी डाल देते हैं। ये थोड़ा धनिया यहाँ पे भी गया। और दाल बन रही थी तब तक अपने अमित भाई ने सलाद बनाया, तो सलाद के लिए भी थोड़ा सा धनिया कम पड़ गया, डाल दिया। तो ये देखिए अपना यू नो दाल तैयार है। इस धनिए को अब इसके अंदर मिला लेते हैं और अभी सीधे अभी रुका नहीं जा रहा है, जिस हिसाब से टेस्ट चल रहा है तो इसको मिक्स करके अभी थाली में परोसते हैं चिकन ब्रेस्ट और दाल को विद सलाद। दाल तो ये ली मैंने अपनी दाल थाली के अंदर, गरम गरम दाल, थोड़ा सा चिकन ब्रेस्ट जो बनाया है लाइक ग्रिल किया हुआ है तो इसको भी लेते हैं, और थोड़ा सा सलाद लेंगे और ब्रेड के साथ आपको टेस्ट करेंगे। तो अमित भाई खा रहे हैं तो बताओ कि कैसा लग रहा है दाल? एक नंबर। कुछ स्वाद कैसा आया दाल में और चिकन ब्रेस्ट? दोनों एक नंबर है, दाल अपना फेवरेट है, अच्छी बनी है, चलो बढ़िया है। कॉन्टिनेंटल खाना खा के थक गए तो अपना खाना अपना ही बनता है। सही बात है, मैं अभी आपको टेस्ट करके बताता हूँ कैसी है। ये मैंने दाल ली और इसके अंदर थोड़ा सा हम कांदा रखेंगे और टेस्ट करते हैं। गरम है, आज भी दाल अच्छी हुई है, और जो एलिएज मसाला डाला ना वो स्वाद ज़्यादा अच्छा आ रहा है, अच्छी बनी है दाल। ये चिकन ब्रेस्ट इसको भी खा के देखते हैं कैसा बना है। तो गाइस मैं अभी खाना एंजॉय करता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि पूरी दाल की प्रिपरेशन हम कैसे बनाते हैं क्रू मेस में माइक्रोवेव के अंदर, तो अच्छी बनी है दाल। ये खाना खाने के बाद आज अब फ्रूट खाएंगे और ये देखिए पपीता है। तो अभी खाना होने के बाद अभी पपीता खाते हैं थोड़ी देर रुकने के बाद। तो तब तक मैं इस ब्लॉग को ख़त्म कर देता हूँ। आपको मैंने बताया मेरा पूरा डिनर प्रिपरेशन, दाल रेसिपी, तो दाल की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दूंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या क्या मैंने डाला क्या क्या नहीं डाला। तो होपफुली ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, फिर से कहूँगा शेयर ज़रूर करना और कहना कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो थैंक यू, बाय बाय, जल्दी मिलेंगे अगले ब्लॉग में।